टू बैचलर्स कुकिंग। आज हम आपको बनाना सिखाएंगे चोको चारोली कुकीज। ये बड़ी डिफरेंट सी कुकीज होती है, बहुत टेस्टी लगती है। तो इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए? इसके लिए हमें चाहिए चारोली और चारोली का पाउडर। इसके अलावा बेकिंग सोडा है, बटर है, ये शुगर है जिसको हमने पीस लिया है, मैदा है। इसके अलावा मेरे पास कोका पाउडर है, आप चाहें तो थोड़ी सी चॉकलेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं चोको चारोली कुकीज। सबसे पहले हम क्या करते हैं, मैदा ले लेते हैं एक छन्नी में और मैदा के साथ डाल देते हैं एक पिंच के लगभग क्वार्टर टीस्पून बेकिंग सोडा और साथ में डाल देते हैं ये कोका पाउडर है मेरे पास, ये कोका पाउडर इसके अंदर, और इसको छान लेते हैं ताकि ये जो लम्स हैं वो सारे निकल जाएं। स्टर करके निकाल देंगे, ये सारे लम्स इसके निकल गए, और इसको मिक्स कर लेते हैं। ये मिक्स करने के बाद अब हम इसमें डाल देते हैं शुगर, आप चाहें तो शुगर और बटर को पहले मिक्स करके एक सॉफ्ट सी कंसिस्टेंसी में लाके उसके बाद डो गूंद सकते हैं, और चाहें तो सब मिक्स करके हाथ से गूंदना है आपको, तो ऐसे ही बना लें जैसे मैं बना रहा हूँ, ये सिंपल तरीका है। और अब हमें क्या करना है, अब हम इसमें डालेंगे बटर, रूम टेम्परेचर पे बटर डालना है इसमें, धीरे थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसको गूंदते जाएंगे। तो चलिए इसको गूंदना शुरू करता हूँ मैं, इस तरह से बटर के साथ गूंदना है। बटर फ्रीजर में भी नहीं होना चाहिए और बटर मेल्ट भी नहीं करना है, रूम टेम्परेचर पे बटर लेके और इस तरह से मिक्स करते जाएं बटर, और इसको गूंदते जाना है हमें, और साथ में हमें इसमें डालना है अब चारोली पाउडर या चिरौंजी का जो पाउडर हमने डाला था ये डाल लें और इसको गूंदते रहें साथ साथ। जैसे जैसे बटर पिघलता जाएगा आपका ये डो की शक्ल में आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसके छोटे छोटे बोल बना लेना है हमें, और हमने इसमें चिरौंजी पाउडर डाला हुआ है ऑलरेडी और ऊपर से हम चिरौंजी लगाएंगे। अब ये मेरे पास मोल्ड है, इसको छोटा सा गोला बना के और इस मोल्ड की साइड में इस तरह से रख के इसे रोल करना है हमें। तो इस तरह से छोटे छोटे से गोले बनाने हैं हमें, फिर जैसे ये मेरे पास मोल्ड है इस मोल्ड में साइड में रख के इसको इस तरह से प्रेस कर लेना है। आप अपनी पसंद की कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं, तो ये इस शेप की गोल नहीं बनेगी, इस तरह की शेप की बनेगी। और चूंकि ये चोको चिरौंजी है तो इसका जो ये बेस पार्ट है इसमें हम लगाएंगे ये चिरौंजी, वैसे हमने चिरौंजी पाउडर भी अंदर डाला हुआ है, और इसी तरह से हम दूसरी भी तैयार कर लेते हैं। छोटा सा गोला बनाएं और गोला बना के किसी भी मोल्ड में एक बार प्रेस करना है आपको इस तरह से, प्रेस करने के बाद इसको रखें और चिरौंजी लगा लें। और इसके बाद हमें क्या करना है, ये ग्रीस की हुई ओवन की डिश है, इसमें इसको रख के और इसी तरह से हम बाकी की डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन की कुकीज बनाएंगे और इसको डालेंगे माइक्रोवेव के अंदर 180 डिग्री पे प्री हीटेड ओवन में लगभग 20 मिनट के लिए। हमारा ओवन का बजर बच चुका है, यानी कि हमारी गर्मा गर्म कुकीज तैयार हो चुकी हैं। चलिए इनको बाहर निकाल के मैं सर्व करता हूँ।